We had discussed about the pile driving equipment, and in our last unit, the next topic is hot mix bitumen paint and bitumen paver. So, actually, basically, we have to understand what is the basic function of hot mix bitumen plant, and the second one is what is the function of bitumen paver and what are the important parts of a bitumen paver. We'll be completing these two topics today only, and probably tomorrow we'll complete this unit. We'll take another two video lectures to complete our last unit, means two videos away from completion of your syllabus. Now, understand what is hot mix bitumen plant. Actually, I have already provided I have already provided the content before, and I'll use that content in making you understand the part of hot mix bitumen plant as well as bitumen paver. So basically, what is hot mix bitumen plant? Hot mix bitumen plant you have already seen. Whenever there is construction of roadway, basically flexible pavement जो blacktop pavement होता है आप construction में देखते हैं, वहाँ पे जो आप जो top layer इसको bearing course कहते हैं, वो जो construction होता है उसमें hot mix bitumen plant से निकला हुआ छोटे छोटे stone, छोटे छोटे पत्थर अगर उसको कहते हैं, उसको bitumen या asphalt में अच्छे से mix करके रोड पे ले किया जाता है और प्रॉपर की जाती कॉम्पैक्शन की जाती कॉम्पैक्ट किया जाता है ताकि वो ठोस बन सके और उसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी हो. तो उसी इक्विपमेंट को हम लोग हॉट मिक्स बिटुमिन प्लांट कहेंगे. बेसिकली हॉट मिक्स बिटुमिन प्लांट दो तरह के होते हैं. एक एक सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं बैच टाइप बिटुमिन प्लांट, एंड द नेक्स्ट पार्ट इज नोन एज अ ड्रम टाइम बिटुमिन प्लांट. वी विल सी बोथ टाइप ऑफ प्लांट्स अगेन. नाउ आई यूज योर कंटेंट दैट आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड. यू सी देर आर टू टाइप्स ऑफ हॉट मिक्स बिटुमिन प्लांट. तो अगर आपसे कोई पूछे एंड आपके एग्जाम में ये आ जाए कि हाउ यू विल क्लासिफाई द हॉट मिक्स बिटुमिन प्लांट, देन यू कैन से कि बेसिकली देर आर टू टाइप्स ऑफ प्लांट, विच इज द फर्स्ट वन इज बेस्ट टाइप, द सेकेंड वन इज ड्रम टाइप. इसके पैसे और भी बेसिक क्वेश्चंस होते हैं कि नाउ यू टेल मी व्हाट वुड बी द फंक्शन ऑफ ए हॉट मिक्स बिटुमिन प्लांट. हॉट मिक्स बिटुमिन प्लांट का क्या फंक्शन है? तो यू कैन से कि हॉट मिक्स बिटुमिन प्लांट एक प्लांट है जिसमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स को एक साथ लिंक किया जाता है. बेसिकली उस प्लांट का काम होता है कि जो हमारा टॉप वियरिंग कोर्स है, जो रोड है, जो फ्लेक्सिबल पेवमेंट है, उसका जो टॉप कोर्स जिसको हम लोग ब्लैक कोट कहते हैं, उसके ब्लैक कोटिंग में करके करने के क्रम में जो हम लोग उसी को हम लोग बोलते हैं हॉट मिक्स बिटवीन प्लांट. तो अब हम लोग देखेंगे कि ये दो अलग अलग तरह का क्या क्या प्लांट थे. प्लांट मतलब होता है एक छोटा सेटअप, एक छोटी फैक्ट्री टाइप की अरेंजमेंट. जाहिर सी बात है कि ये आपके साइट के एकदम पास में या इनफैक्ट एट द साइट ये बनता है ताकि आप तुरंत उसको ट्रांसपोर्ट करके ले जाएं और उसको उस पर जहाँ पे अपने रोड्स पर जहाँ पे अपने रोड्स पर जहाँ पे कंस्ट्रक्शन होना है, और उसको या अगर आपको स्पेशल अलग से अगर कोई ड्रम रोलर का यूज़ कर रहे हैं तो उसको कॉम्पैक्ट करें, या तो अगर आप बिटुमिन पेवर यूज़ कर रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है. आप बिटुमिन पेवर में ही डायरेक्ट आप हॉट मिक्स जो है वो स्टोर कर देते हो और बिटुमिन पेवर उसको ले भी करते जाता है और एक एक करके उसको धीरे धीरे सेक्शन वाइज उसको कॉम्पैक्ट भी करते जाता है, मेंटेनिंग यूनिफॉर्म थिकनेस. सो व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्लांट्स? ये दो दो प्लांट जो है, बैच प्लांट और ड्रम प्लांट के बीच डिफरेंस क्या है? बेसिकली जो बैच प्लांट है उसमें जो हमारा मटेरियल निकलता है वो बैचेज में निकलते हैं, मतलब इट्स नॉट अ कंटिन्यूअस टाइप.
तो एक बैच निकलेगा, फिर दूसरा बैच निकलेगा। तो ये बैच प्लांट था। और ड्रम प्लांट में क्या होता है, जो हमारा इंग्रेडिएंट है, मतलब जो हॉट मिक्स जो निकल के आता है, जो अलॉन स्टोन और स्मॉल स्टोन चिप्स का बना हुआ मिक्स होता है, जिसको हम डायरेक्ट रॉड रोड के ऊपर डालते हैं, उसी को हॉट मिक्स कहते हैं। वो ड्रम प्लांट में जो है, वो यू शुड हैव दैट इन माइंड ऑलवेज। नाउ यू सी, इन द बैच प्लांट कोर्स एग्रीगेट आर ब्लेंडेड, हीटेड एंड ड्राइड एंड देन प्रपोर्शन एंड मिक्सड विथ बाइंडर लाइक विटामिन सो एज टू प्रोड्यूस हॉट मिक्स विटामिन। बेसिकली मैं आपको समझा देना चाहता हूँ, जो हॉट मिक्स प्लांट होता है या हॉट मिक्स मटेरियल होता है, वो मेनली स्टोन एग्रीगेट्स और बिटमिन या स्टोन एग्रीगेट या एसफॉल्ट, बोथ आर वन ऑफ द सेम थिंग। अलग अलग सोर्सेज के कारण कभी वो बिटमिन हो जाता है, कभी वो एसफॉल्ट होता है। तो उसके मिक्स से जो बनता है उसी को हम लोग हॉट मिक्स कहते हैं। तो दो चीज़ का यहाँ पे, अगर आपको रॉ मटेरियल अगर चाहिए प्लांट के लिए, तो यू नीड टू थिंग्स। द फर्स्ट वन इज़ द स्टोन चिप्स, जो आपके एग्रीगेट्स जिसको आप कहते हैं, और बेसिकली बात है कि वो छोटे छोटे स्टोन चिप्स होते हैं, क्योंकि आप अपने टॉप पे अगर बहुत बड़े बड़े स्टोन चिप्स डालेंगे तो या तो प्रॉपर उसकी कॉम्पैक्शन नहीं होगी, प्लस आपकी जो इस है वो अनइवन होगी, नॉन यूनिफॉर्म होगी, ऊबड़ खाबड़ होगी। तो इट विल नॉट प्रोवाइड अ यूनिफॉर्म सरफेस टू राइड, वो आप आराम से उस पर ना ट्रैवल कर सकते हैं, ना आपकी गाड़ी वहाँ पे यूनिफॉर्मली स्मूथली राइड कर पाएगी। तो वी यूज़ वेरी स्मॉल अमाउंट, मतलब स्मॉल साइज एग्रीगेट्स, और उसको हम अलकतरा या एसफाल्ट के साथ मिक्स करके, गर्म करके उसको बेसिकली ले करते हैं। तो वही बैच प्लांट के बारे में बताया था कि कोर्स एग्रीगेट सबसे पहले अच्छे से ब्लेंड किया जाता है, हीट किया जाता है और ड्राई किया जाता है। उसके बाद उसको उसका प्रपोर्शन होता है, और मिक्स कर प्रपोर्शन में मिक्स करके किसके साथ मिक्स किया जाएगा, बाइंडर के साथ। बाइंडर में आपका विटामिन भी हो सकता है और एसफाल्ट भी हो सकता है। हॉट मिक्स विटामिन बनाते हैं। तो ये चीज़ आपको बेसिकली ध्यान रखनी है। बेसिक कंपोनेंट्स और द वर्किंग ऑफ बैच प्लांट्स आर एज फॉलोज। जो बेसिक कंपोनेंट है बैच प्लांट के, उसके वर्किंग इस तरह से हैं। यू कैन सी इट हैज़ बीन शोन पॉइंट वाइज। द फर्स्ट वन इज एग्रीगेट स्टोरेज एंड कोल्ड फीडिंग, मतलब जो स्टोन उसको ला रहे हैं, उसको स्टोर कर रहे हैं, और कोल्ड फीडिंग मतलब अभी उसको गर्म नहीं किया, अभी वो ठंडा है, मतलब नेचुरल है, ठीक है, एंड कोल्ड फीडिंग। और दूसरा है कि एग्रीगेट ड्राइंग एंड हीटिंग, मतलब कि अभी आपने एग्रीगेट को ड्राई किया, मतलब जो उसके बाद उसको क्या किया, सुखाया, मतलब थोड़ा ड्राई करने के बाद उसको, सॉरी ड्राई करने के बाद हीट किया, मतलब सुखाने के बाद थोड़ा उसको हीट किया प्रॉपर, मतलब मिक्स करने से पहले भी एग्रीगेट की हीटिंग होती है, ठीक है। तो यू हैव टू कीप दिस इन माई माइंड। सेकेंड पॉइंट, थर्ड में ऑफ हॉट स्टोरेज ऑफ हॉट एग्रीगेट, जब आपने हीट कर दिया था एग्रीगेट को, तो उसको स्क्रीन कर दिया आपने, मतलब अलग अलग साइजेस के स्टोन्स को आपने अलग अलग बिन्स में उसको स्टोर कर लिया। फोर्थ वन इज स्टोरेज एंड हीटिंग ऑफ बिटामिन। तो हमने बताया था दो ही मटेरियल है, एक है स्टोन एग्रीगेट्स और दूसरा है बिटामिन। तो स्टोन एग्रीगेट्स को तो आपने स्टोर कर लिया, प्लस उसके बाद क्या है कि बिटामिन को भी आप सोर्स से लाएंगे और उसका कहीं से ला के स्टोर करेंगे, स्टोर करने के बाद उसको हीटिंग करेंगे प्रॉपर। पांचवा पॉइंट में मेजरिंग एंड मिक्सिंग ऑफ बिटामिन एंड एग्रीगेट, मतलब कि आप जो है बिटामिन और एग्रीगेट का, तो ये एक्चुअली ये पहले से प्री डिफाइंड रहता है उसकी प्रपोर्शन, कि मान लीजिए आपको जो मिक्स बनाना है, जैसे कंक्रीट में आपको सारे मटेरियल्स का, कंस्टिट्यूएंट मटेरियल्स का प्रपोर्शन पता होता है, बिल्कुल उसी तरह जब आप हॉट मिक्स बनाते हैं तो उसमें भी आपको सारे प्रोपोर्शन पता होता है कि 1 क्यूबिक मीटर में कितना स्टोन चिप्स लगेगा, कितना विटामिन लगेगा, और स्टोन चिप्स के साथ छोटे छोटे फिलर्स, जो कि फिलर्स कहते हैं, जैसे कि आप सैंड यूज़ कर सकते हैं या और कोई मटेरियल जो कि स्टोन चिप्स के बीच में जाके उसके स्पेस को, वाइट्स को कम करें, कितना क्या लगेगा, तो वो जो है हम लोगों का पता चल रहता है। वो पहले हम लोग लेबोरेटरी में निकाल के रखते हैं। बहुत सारे थ्योरीज हैं, बहुत सारे प्रोसेस हैं, जिसके हिसाब से हम लोग जो है कि
कितना बाइंडर लगेगा, मतलब कितना बिटुमिन लगेगा, कितना स्टोन चिप्स लगेगा, उसका प्रोपोर्शन निकालने का तरीका बताता है। जैसे कि यू कैन ऑल्सो नोट डाउन मार्शल स्टेबिलिटी टेस्ट, और जो मार्शल की थ्योरी है MARSHALL मार्शल थ्योरी, वो भी देता है कि आपको कितना मिनिमम बाइंडर या कितना मिनिमम विटामिन का कंटेंट चाहिए, तो वहाँ से आप पता कर लेते हैं। सिक्स पॉइंट में है कि लोडिंग ऑफ फर, फिफ्थ पॉइंट में है कि मेजरिंग एंड मिक्सिंग ऑफ विटामिन एंड एग्रीगेट। आपने एग्रीगेट्स को ये कर लिया था, प्रॉपर गर्म कर लिया था, उसको मेज़र कर लिया, फिर विटामिन को गर्म कर लिया, उसको मेज़र कर लिया, उसको सेम प्रोपोर्शन में मिक्स किया प्रॉपर। मिक्सिंग करने के बाद आप क्या करेंगे, उसको लोड कर देंगे। जैसे कि आपको लोड करना मतलब जहाँ भी आपको यूज़ करना है उसको आराम से निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टोर, या तो इसको आप सिलोज हैं, सिलोज में स्टोर कर लीजिए, उसको बस उसको यूज़ कर लीजिए। जहाँ पे भी आपको रोड कंस्ट्रक्शन करना है, जहाँ पे भी आपकी पेवमेंट का टॉप सरफेस को आपको टॉप सरफेस पे कोट करना है, उसको कहते हैं ब्लैक। तो प्रोसेस है, वर्किंग प्रोसेस है, हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं वर्किंग प्रोसेस क्या है। इसके वर्किंग प्रोसेस वही है कि कोल्ड एग्रीगेट्स को कोल्ड बिन्स में स्टोर करते हैं, और ये कोल्ड फीड गेट्स के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। दूसरा पॉइंट था कि एग्रीगेट्स फिर जो है वो ड्रायर में ले आ जाता है, नॉर्मल एग्रीगेट जो कोल्ड एग्रीगेट्स है उसको ड्रायर सेक्शन में डालते हैं विद द हेल्प ऑफ बेल्ट कन्वेयर और बेल्ट एलिवेटर। बेल्ट कन्वेयर की सहायता या बेल्ट एलिवेटर की सहायता से उसको वहाँ से हम लोग ड्राई करते हैं वहाँ से। उसके बाद इन द ड्रायर एग्रीगेट्स आर ड्राइड एंड हीटेड। ड्राई एग्रीगेट में एग्रीगेट्स को फिर उसको हिलाया जाता है, फिर उसको हीट किया जाता है। जब हीट हो जाता है तो डस्ट कलेक्टर रिमूव्स अनडिजरेबल अमाउंट ऑफ डस्ट फ्रॉम द ड्रायर एग्जॉस्ट। जो ड्रायर के एग्जॉस्ट होते हैं उसके थ्रू, उसमें ड्रायर में ऐसा मैकेनिज्म होता है कि जो एक्सेसिव डस्ट होता है वो जो धूल होता है वो उसको अलग कर देता है। रिमेनिंग एग्जॉस्ट गैसेस आर एलिमिनेटेड थ्रू द प्लांट एग्जॉस्ट टैक। और जो ये इस प्रोसेस में जो एग्जॉस्ट गैसेस निकलता है उसको टैक से अलग से चिमनी इसकी रहती है वहाँ से उसको निकाल दिया जाता है। उसके बाद ड्राइड हीटेड एग्रीगेट्स आर डिलीवर्ड बाय हॉट एलिवेटर। जो ड्राई हीटेड एग्रीगेट्स है वो हॉट एलिवेटर बोलिए या तो आपका बेल्ट कन्वेयर बोलिए, उसके उसके द्वारा उसको डिलीवर किया जाता है स्क्रीनिंग यूनिट्स में। मतलब एक बार गर्म हो गया, सबसे पहले तो आप हॉट उसको कोल्ड स्टोर करेंगे, कोल्ड स्टोर करने के बाद उसको आप ड्रायर सेक्शन में लाते हैं जहाँ उसको ड्रायर होता है। ड्रायर के होने के जस्ट बाद उसको हीट किया जाता है। हीट करने के दौरान हम वहाँ पे ऐसा अरेंजमेंट करते हैं ताकि उसकी डस्ट जो है वहाँ, जब डस्ट निकल जाता है वहाँ से, तब आप हीटेड एग्रीगेट्स में लाते, स्क्रीनिंग यूनिट्स में लाते हैं ताकि अलग अलग जो एग्रीगेट्स के स्टोन के साइज हैं उनको अलग अलग बिन्स में आप स्टोर कर सके। स्क्रीनिंग यूनिट सेपरेट द मटेरियल इनटू डिफरेंट जो कि मैंने आपको बताया। नाउ यू सी, उसके बाद आप क्या करते हैं, एग्रीगेट्स को डंप करते हैं मिक्सिंग चैम्बर। एक मिक्सिंग चैम्बर होता है वहां पे उसको आप डंप करते हैं, और अलोंग विद द प्रॉपर अमाउंट ऑफ मिनरल फिलर। मिनरल फिलर आपको बताया कि वह फिलर वो सब्सटेंस है जो कि आपके मिक्स में, हॉट मिक्स में जो वॉइड्स की संख्या को कम करता है, तो उसके लिए आपको मिनरल फिलर एडिशनल आप यूज़ करते हैं। उसके बाद आपने अब स्टोन मिक्सिंग में स्टोन एग्रीगेट्स डाल दिया, तो स्टोन एग्रीगेट्स के साथ तो HMB बनेगा नहीं, तो हॉट मिक्स आपको बनाना है तो आपको फिर विटामिन को यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद क्या कहते हैं, हीटेड विटामिन फ्रॉम द ब्रिज पम्प्ड इनटू द बाइंडर। हीटेड विटामिन को आप बाइंडर स्टोरेज टैंक से लाते हैं और उसको पंप करते हैं। पंप करने के बाद सबसे पहले उसका जो कैलिब्रेटेड वेट होता है कि हमको एक बैच में कितना विटामिन का ज़रूरत होता है उसकी मेजरमेंट होती जाती है। तो वहाँ पे वेट रहते हैं, जो सेंसर लगे रहते हैं जो उसका प्रॉपर वेट कर लेता है कि ये विटामिन सही अमाउंट में है कि नहीं। उसके बाद जब उसकी प्रॉपर चेक हो जाती है कि विटामिन की क्वान्टिटी सही है, तो उसको मिक्सिंग चैम्बर में डाल दिया जाता है वेयर द विटामिन इज कम्बाइंड थॉरोली विद द एग्रीगेट। जब विटामिन को कंबाइन करके एग्रीगेट में डाल देते हैं, और उसके बाद जब मिक्सिंग चैम्बर में प्रॉपर मिक्स की जाती है स्टोन एग्रीगेट्स को और विटामिन को,
हॉट मिक्स बिटुमेन इज डिपॉजिटेड इनटू वेटिंग डंपर और ट्रक, उसके बाद वहाँ से निकाल के जो कोई वेटिंग डंपर या ट्रक है वहाँ पे उस, या तो अगर आपको स्टोर करना है तो आप उसको स्टोर भी कर सकते हैं अलग से. तो ये दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द बैच टाइप हॉट मिक्स बिटुमेन प्लांट. यू कैन सी आई विल शेयर the image of hot mix bitumen plant also. You see, this was the basic plant operation. You can see this is the basic plant operation. में क्या किया, plant operation में क्या किया आपने, कि पहले cold asphalt लिया, फिर उसको हीट किया. एस्फाल्ट स्टोरेज मतलब जो बिटामिन है वो बिटामिन को भी आपने स्टोर किया. एस्फाल्ट यूज़ किया या बिटामिन स्टोर कीजिए, सेम चीज़ है. उसको मेज़र कर लिया. सेम पैरेलल में आप क्या कर सकते हैं ये काम, जब आप बिटामिन या एस्फाल्ट को स्टोर कर रहे थे उस समय आप एग्रीगोट को स्टॉक पाइल कीजिए, उसको कोल्ड बिन में डालिए, फिर उसको ड्राइंग सेक्शन में, वहाँ पे से ड्राइंग सेक्शन में वहाँ पे से ड्राइंग हीटिंग होगी, स्क्रीनिंग, फिर वहाँ स्क्रीनिंग जाते हैं. स्क्रीनिंग में जाने के बाद आप उसको हॉट स्क्रीनिंग में जाने के बाद आप उसको हॉट एग्रीगेट स्टोरेज में ले जाए, एग्रीगेट स्टोरेज में ले जाने के बाद आप क्या करेंगे, उसको मेज़र करेंगे कि उसकी क्वांटिटी सेम है कि नहीं. फिर उसको मिक्सिंग यूनिट में आप डालते हैं. सेम उसी तरह से मिक्सिंग यूनिट में आप किसको डालते हैं, मिक्सिंग यूनिट में को आप उसी में विटामिन को भी डालते हैं और फिर इसको मिक्स करते हैं प्रॉपर. और ये हॉट मिक्स इसके बाद क्या हो जाता है, जब स्टोन और आपका ये मिक्स हो गया विटामिन या एस्फाल्ट, उसको हॉट मिक्स में डाल दिए. हॉट मिक्स में डालने के बाद आप उसको जहाँ यूज़ करना है, अगर यूज़ करना है ट्रक लगा हुआ, ट्रक लगाना हुआ, पेवर लगा, बिटुमेन पेवर पर डाल दीजिए. अगर सिलोज में स्टोर करना है सिलोज में स्टोर कर लीजिए. तो सेम प्रोसेस को यहाँ पे इमेज के द्वारा भी प्रेजेंट किया गया है कि कैसे कैसे एग्रीगेट्स को आप यहाँ स्टोर कर पा रहे हैं. और स्टोर करने के बाद यू कैन सी यहाँ पे आपने स्टोर किया कोल्ड बिन्स में, उसके बाद आप इस यहाँ से उसको ड्रायर सेक्शन में ले जा रहे हैं. ड्रायर सेक्शन में जब ले जा रहे हैं, ड्रायर सेक्शन में दो काम हुआ, ड्राई भी होता है, हीटिंग होता है, प्लस यहाँ से उसका डस्ट भी कंट्रोल होता है. डस्ट को भी आप अनवांटेड डस्ट को यहाँ से रिमूव करते हैं. ड्रायर सेक्शन के बाद स्क्रीनिंग में डाला जाता है. स्क्रीनिंग में डालने के बाद उसको अलग अलग बिन्स में डाला जाता है उसके स्टोर के साइज से. उसके बाद क्या होता है, आप उसको डायरेक्ट जो होता है हॉट एग्रो पेज में डाल देते हैं, पेज में डाल देते हैं. उसके बाद डायरेक्ट वहाँ डालने के बाद आपको हर बैच में कितना एग्रीगेट्स चाहिए उस हिसाब से डायरेक्ट आप मिक्सिंग प्लांट में डालते हैं. मेन जो मिक्सर है, ये जो मेन मिक्सर है, और फिर साइड वाइज ही आपका जो एस्फाल्ट होता है या विटामिन जो होता है, एस्फाल्ट और विटामिन जो होता है, उसको भी आप क्या करते हैं, कहीं से स्टोर करके रखते हैं किसी स्टोरेज में, और उसको भी हीट, उसकी हीटिंग की हुई रहती है, वो गर्म होता है, हीट करके आपको जस्ट डालने से पहले उसको वेट कर लेते हैं कि हर एक बैच में कितना डालना है. आप यहाँ से डालते हैं और डालने के पहले जब आपने उसको मेज़र कर लिया था, मेज़र करने के बाद जैसे ही आपने मिक्सिंग प्लांट में डाला, ये भी गर्म है और आपका स्टोन चिप्स भी गर्म है. उसके बाद यहाँ पे मिक्सिंग प्लांट में इसकी थॉरो मिक्सिंग हो रही है. थॉर मिक्सिंग होने के बाद जो मिक्स निकल के आता है उसको कहते हैं हॉट मिक्स विटामिन HMB. और उसके वो आप डायरेक्ट या ट्रक पे लोड कर सकते हैं, जो है सीलो बंकर में ले जा सकते हैं, या पेवर में जो है विटामिन पेवर पे लोड कर सकते हैं जहाँ उसको यूज़ करना है. तो दिस वाज द बेसिक ऑफ बैच प्लांट. We'll move to next slide in which we will see the different components. ये इसी तरह ये प्लान एक्चुअली बेस्ट टाइप प्लांट का. यहाँ पे कोल्ड फीडिंग है, उसके बाद कोल्ड फीडिंग से यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कन्वेयर बेल्ट कन्वेयर ले जा रहा है. ड्रायर सेक्शन में यहाँ पे ड्राइंग हुई, उसका ड्राइंग के बाद यहाँ हीटिंग हुई, हीटिंग होने के बाद उसके बाद स्क्रीनिंग किया जाता है. स्क्रीनिंग के बाद इसको डायरेक्ट यहाँ से, स्क्रीनिंग हो जाने के बाद आप डायरेक्ट यहाँ पे बैचिंग टावर में मिक्स प्लांट में ले लिया जाता है यहाँ पे. और यहीं बैचिंग मिक्स प्लांट में आपको यहाँ से नीचे से कहीं स्टोरेज से
आपको बिटामिन या असफाल्ट को, गरम बिटामिन और असफाल्ट को यहाँ पे लाया जाता है। प्रॉपर इन दोनों की वे की हो जाती है पहले से, मतलब पहले से इसका वेट किया होता है, उसके बाद प्रॉपर यहाँ मिक्सिंग प्लांट में मिक्स होता है। मिक्स प्लांट करने के बाद डायरेक्ट प्रोडक्ट जो निकलता है उसको या तो आप ट्रक पे लोड कर सकते हैं या तो स्टोर भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ स्टोरेज सिलो उसका बना हुआ है। तो दैट वाज द बेसिक ऑफ योर फर्स्ट टाइप ऑफ हॉट मिक्स प्लांट, दैट इज बैच प्लांट। नाउ वी विल सी द डिफरेंट, द सेकेंड टाइप ऑफ प्लांट, ड्रम प्लांट। ड्रम प्लांट, ड्रम प्लांट बैच प्लांट से डिफरेंस इसी तरह से है क्योंकि यहाँ पे बैच वाइज काम नहीं होता, यहाँ पे कंटिन्यूस काम होता है। और कंटिन्यूस काम होने से मतलब पूरा जो है आपको कंटिन्यूस सप्लाई मिल सकता है। तो दैट्स वाई वी कॉल इट एज ए कंटिन्यूस और ड्रम टाइप प्लांट। तो जो ड्रम टाइप प्लांट होता है वहाँ पे सिक्वेंस किस तरह से, या इसके पार्ट्स, या इसके पार्ट्स किस तरह से होते हैं, द सिक्वेंस ऑफ द वर्किंग प्रोसेस ऑफ द वेरियस ऑपरेशन, हॉट मिक्स बिटामिन, हॉट मिक्स बिटामिन ड्रम प्लांट इज मेंशन बिलो। दीज आर द टाइप ऑफ वर्क जो कि वहाँ पे आपके ड्रम प्लांट में होता है। द फर्स्ट वन इज एग्रीगेट कोल्ड फीड बीन्स, मतलब एग्रीगेट को आप कोल्ड फीड के जो बीन्स हैं स्टोर में वहाँ स्टोर करते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा है एग्रीगेट वेयर एंड एग्रीगेट वेइंग सिस्टम, मतलब कि कन्वेयर होता है जो कि आपके एक जगह से दूसरे जगह कंटिन्यूस सप्लाई, बेल्ट मूवमेंट नहीं होगा तो कंटिन्यूटी आप अश्योर नहीं कर पाएंगे, तो कन्वेयर होता है। और एग्रीगेट का वेइंग मशीन सिस्टम होता है जो कि एक्यूरेटली कोशिश करता है कि जो हर एक बैच में जितना एग्रीगेट जाना है उसकी एक्यूरेट मेजरमेंट हो सके। तीसरा में एक मिक्सर होता है, ड्रम मिक्सर, और ड्रम मिक्सर में ही एक्चुअली बेसिकली मिक्सिंग होती है। एक और सिस्टम होता है जिसमें डस्ट कलेक्शन सिस्टम होता है, जैसे कि नॉर्मल हमारा पहले भी हमने देखा था कि ड्राइंग के साथ एक डस्ट कलेक्शन जो कि अनवांटेड एक्सेसिव डस्ट को रिमूव करता है। फिर उसके बाद होता है हॉट मिक्स कन्वेयर, मतलब कि जब आपका मिक्सिंग ड्रम मिक्सर में जब आपका स्टोन एग्रीगेट्स और बिटामिन मिक्स हो गया तो फिर आप उसको कन्वे करेंगे। उसको निकालने के लिए आपको कंटिन्यूस निकालने के लिए एक बेल्ट सिस्टम चाहिए, एक कन्वेइंग सिस्टम चाहिए, उसको कहते हैं हम लोग हॉट मिक्स कन्वेयर। उसके बाद फिर आप जब जो हॉट मिक्स आपका निकल जाता है उसको स्टोर कर, उसको बोलते हैं मिक्स सर्ज बिन। या तो आप तो डायरेक्ट नहीं करना है तो डायरेक्ट आप ट्रक पे उसको लोड कर सकते हैं, या तो आप जो है उसको बिटुमिन पेपर में डायरेक्ट आप डाल सकते हैं और साइट पे ले जाके उसको यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल वैन और बाइंडर स्टोरेज टैंक, मतलब बाइंडर स्टोरेज टैंक मतलब बाइंडर बोले तो वही बिटामिन, बाइंडर मतलब जो स्टोन एग्रीगेट्स को एक साथ चिपकाता है। या तो आप बिटामिन यूज़ करते हैं, या तो एसफाल्ट यूज़ करते हैं, या तो बेसिकली आप जो है पहले जो है एक और तरह का यूज़ होता था, वी विल सी वन कन्वेंशनल टाइप ऑफ बाइंडर वाज यूज अर्लियर विच इज ऑल्सो नोन एज टार। टार भी जो है वो पहले यूज होता था। तो जो ये बिटुमिन है ये एक्चुअली बेसिकली पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, आपको पता होना चाहिए। पेट्रोल से, पेट्रोलियम का जो आपका बाय प्रोडक्ट है उसका, उसी को हम लोग बिटुमिन कहते हैं। और जो टार था वो भी आपको दिखने में अलकतरा की तरह, बिटुमिन की तरह दिखता था, लेकिन वो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड से बनता है, जो कि जबकि जो बिटुमिन है अलकतरा है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है। तो यू कैन नोट डाउन कि बेसिकली टार जो है बिल्कुल दिखता बिटुमिन की तरह है, बट वो बिटुमिन नहीं है। टार जो है वो वुड के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से बनता है, और जो आपका बिटुमिन है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम से बनता है। तो दिस वॉज द बेसिक वर्किंग ऑफ ड्रम प्लांट। वी विल सी अ स्केच जिसमें हम लोग समझेंगे अच्छे से इसको। सी नाउ इन दिस वी विल अंडरस्टैंड, इन दिस ड्रम टाइप वी विल अंडरस्टैंड कि उसकी बेसिक स्केच क्या है। यू कैन अंडरस्टैंड कि सबसे पहले ये कोल्ड फीड बीन्स जो है,
कोल्ड फीड बीन्स में आप स्टोन एग्रीगेट्स जो है आप फीड करते हैं, ये कोल्ड गेट के द्वारा ऑपरेट होता है। फिर यहाँ से क्या करते हैं, इस फीड बीन से आप डायरेक्ट एग्रीगेट्स को बेल्ट कन्वेयर की सहायता से आप जो है स्टोर करते हैं, आगे वो आगे ले जाते हैं। उसके बाद मिक्सिंग मिक्सर ड्रम में ले जाते हैं, जहाँ पे मिक्सर ड्रम में ही सारा अरेंजमेंट होता है। एक्चुअली ये ड्रम मिक्सर में ही अरेंजमेंट होता है। किस चीज़ का ड्रम मिक्सर में अरेंजमेंट होता है, मतलब इसकी जो हीटिंग है प्लस इसकी जो ड्राइंग है वो आपके ड्रम मिक्सर के अंदर ही अरेंजमेंट है। इसके अंदर हीटिंग ड्राइंग जो भी है इसकी, इसके सारी ड्रम मिक्सर में ही इसकी अरेंजमेंट है। प्लस आप यहीं पे इसी ड्रम में आपका जो एस्फाल्ट रहता है या बिटुमिन रहता है वो जो स्टोर्ड है उसको भी आप पंप के सहायता से ड्रम मिक्सर में डालते हैं, और फिर वहाँ पे उसकी हीटिंग होकर ड्रम मिक्सर में भी प्रॉपर इनकी अच्छे से मिक्सिंग हो जाती है। प्रॉपर जब ये मिक्स कर जाते हैं तो मिक्स करने के बाद फिर ये एक चैनल से निकलता है। इसके साइड में डस्ट कलेक्टर लगा हुआ रहता है जो कि एक्सेसिव डस्ट को ये रिमूव कर लेता है एग्रीगेट से। उसके बाद आप क्या करते हैं, जब आपका हॉट मिक्स हो जाता है अच्छे से, तो फिर आप हॉट मिक्स कन्वेयर, मतलब जब आपका मिक्स निकल गया, मतलब जो आपका बाय प्रोडक्ट था इस प्लांट का ड्रम मिक्सर, जब वो निकल गया वो फिर कन्वेयर से आप ऊपर कहीं स्टोरेज टैंक में या कहीं पे आप उसको स्टोर करेंगे मिक्सर सिलो में, और उसके बाद वहाँ से फिर आप उसको प्रॉपर जहाँ आपको डिस्पोज करना है, जहाँ पे आपको यूज़ करना है, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो दिस वाज द बेसिक ऑफ ड्रम टाइप, जहाँ पे इसकी जो टोटल फंक्शन वर्क है वो एक ड्रम मिक्सर में ही हो जा रहा है। नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज विटामिन पेवर। हम विटामिन पेवर में जाएंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। बेसिकली ये टॉपिक जो है आपका, ये दोनों मिक्स्ड है। हमने जो ऊपर जो हॉट मिक्स प्लांट बताया और विटामिन पेवर लिंक है एक दूसरे से, इसीलिए इसको यहाँ पे एडजस्ट कर दिया गया है। विटामिन पेवर क्या होता है? विटामिन पेवर क्या है कि एक गाड़ी है, इट्स अ व्हीकल, जो कि आपका हॉट मिक्स जो निकलता है हॉट मिक्स प्लांट से उसको एक्सेप्ट करता है। उसके बाद वो हॉट मिक्स को मटेरियल्स को, हॉट मिक्स मतलब क्या, जो मिक्स होता है एग्रीगेट्स का और विटामिन का, उसको प्लेस करता है रोड के ऊपर टॉप सरफेस पे। प्लेस करने के बाद उसको प्रॉपर कितना थिकनेस मेंटेन करना है वो इंश्योर करता है, प्लस उस प्रॉपर थिकनेस इंश्योर करने के साथ साथ उसका कॉम्पैक्शन भी करता है। तो यही है विटामिन पेवर, मतलब एक ऐसा इक्विपमेंट जो सारा काम कर ले, ठीक है। तो विटामिन पेवर कंसिस्ट ऑफ द डिलीवरी ऑफ हॉट मिक्स एस्फाल्ट और विटामिन टू द जॉब साइट ऑन द रोडवे टू अ स्पेसिफिक डेप्थ एंड कॉम्पैक्टिंग द सेम टू द रिक्वायर्ड डेंसिटी। मतलब डायरेक्ट हॉट मिक्स प्लांट को आप हॉट मिक्स प्लांट से ये क्या करेगा, उठाएगा मटेरियल, हम बार बार बोला हॉट मिक्स को उठा के लाएगा और सीधे आपके साइट पे उसको डाल देगा, और प्रॉपर जितना थिकनेस देना है थिकनेस के साथ साथ उसको कॉम्पैक्ट भी करेगा, ठीक है। बेसिकली अंडरस्टैंड, विटामिन पेवर हैज टू कंपोनेंट्स। विटामिन पेवर के दो कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट है पावर यूनिट, द फर्स्ट कंपोनेंट इज योर पावर यूनिट, जो उसको पावर देता है, मतलब जो व्हीकल जो उसको ड्राइव करता है उसको बोलते हैं लोग पावर यूनिट। और दूसरा जो कंपोनेंट है उसको बोलते हैं स्क्रीड यूनिट। स्क्रीड मतलब वैसा पार्ट जो कि जो थिकनेस आपको, जो टॉप सरफेस का जो थिकनेस देना है रोड का, उसमें कितना थिकनेस होना चाहिए वो उसकी प्रॉपर इवन, मतलब इम्प्रॉपर नहीं हो, मतलब एक समान रूप से कॉम्पैक्शन हो उसका। तो वो जो यूनिट जो है पेवर का जो करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए, उसको बोलते हैं हम लोग स्क्रीड यूनिट। नाउ यू सी द पावर यूनिट में क्या क्या है। द पावर यूनिट प्रोवाइड मूविंग पावर फॉर द व्हील्स, मतलब जो व्हील्स जो आपके गाड़ी चलती है उसके लिए जो पावर है वो आपको पावर यूनिट देता है।
और अदर मशीन पार्ट ऑफ द पेवर, और पेवर के बहुत सारे मशीन हैं, स्क्रीड यूनिट्स में ही लगे रहते हैं अलग अलग पार्ट। तो बेसिकली क्योंकि आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ डिस्पोज करना है, मतलब सिर्फ गिरा देना है, आपको डंप कर देना है हॉट मिक्स को, उसको डंप इस तरह से करना है ताकि आप जब उसको कॉम्पैक्ट करेंगे तो यूनिफॉर्म थिकनेस आपका होना चाहिए, जितना थिकनेस आपका पहले से प्री डिटर्मिंड है, प्लस उसको कॉम्पैक्ट भी अच्छी तरह से करना है। तो ये जो पेवर होता है इसमें सारे चीज़ होते हैं, मतलब वो डिस्पोज भी करेगा, प्लस उसकी यूनिफॉर्म थिकनेस को भी मेंटेन करेगा, प्लस वो कॉम्पैक्ट भी करेगा। तो ये तीन काम पेवर्स के हैं, ठीक है। तो पावर यूनिट में देखिए बेसिकली क्या क्या होते हैं। द पावर यूनिट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन पार्ट्स। रिसीविंग हॉपर, मतलब ऊपर में जो एक हॉपर रहता है जो रिसीव करेगा हॉट मिक्स को। फीडिंग कन्वे, फीड कन्वेयर जो फीड करेगा कन्वेयर सिस्टम। तीसरा पार्ट है फ्लो कंट्रोल ग्रेड्स, जिसके द्वारा वो ऑन होगा तो वो आपके पेवर से नीचे ग्राउंड सरफेस पे गिर जाएगा, और जब उसको ऑफ कर देंगे तो वो स्टोर रहेगा आपके पेवर में। उसके बाद डिस्टर्स और स्प्रिंग एजर्स और स्प्रेडिंग स्क्रूज, स्क्रूज और स्प्रेडिंग स्क्रूज और डिस्ट्रीब्यूटिंग एजर्स से वो कंट्रोल करेगा कि कितने दूर तक आपको स्प्रेड करना है, मतलब हॉट मिक्स को कितने दूर तक आपको, ठीक है, ठीक है, डंप करना है आपके रोड के टॉप सरफेस पे जहाँ पे आपको ब्लैक कोटिंग करनी है। आपका इंजन, जो इंजन मेन पावर देता है, फिर ट्रांसमिशन है उसका, और छठा जी सेक्शन में ड्यूअल कंट्रोल्स एंड ऑपरेटर सीट, दोनों तरफ से कंट्रोल होता है और ऑपरेटर की सीट। तो ये पावर यूनिट एक्चुअली बेसिकली व्हीकल जो कि मेनली हॉट मिक्स को रिसीव कर रहा था, रिसीव करने के बाद उसको डंप कर रहा था ग्राउंड पे, ताकि इस तरह से डंप कर रहा था ताकि पूरा फैल ना जाए, तो उसको कंट्रोल करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटिंग एजर्स थे और स्प्रेडिंग स्क्रूज थे। और अब जब ये पावर यूनिट, मतलब ये वहाँ से प्लांट से ले आया और मटेरियल को धीरे धीरे डाल दिया ग्राउंड पे, अब मेरा काम है कि अब उसको प्रॉपर प्लेस करना, उसकी प्रॉपर थिकनेस मेंटेन करना और उसको कॉम्पैक्ट करना। उसके लिए आपकी जो दूसरी कंपोनेंट यूनिट है स्क्रीड यूनिट काम आता है। तो इन दिस प्रोसेस द फर्स्ट ऑफ ऑल हॉट मिक्स इज डिपोजिटेड इन रिसीविंग हॉपर। ये रिसीविंग हॉपर में सबसे पहले इसकी डिपोजिशन होती है, एंड देन टू फीडिंग कन्वेयर। उसके बाद फीडिंग कन्वेयर में इसको पास करते हैं, थ्रू विच ये फीडिंग कन्वेयर के द्वारा ये कहाँ फ्लो होता है, कंट्रोल गेट में जाता है। कंट्रोल गेट को जब हम खोल देंगे तो ये स्प्रीडिंग स्क्रूज के सहायता से धीरे धीरे आपका गिरेगा, कहाँ पे, जमीन पे। दीज ऑगर्स डिस्ट्रीब्यूट द हॉट मिक्स यूनिफॉर्मली एंड इवनली अक्रॉस द फुल विड्थ ऑफ पेव, मतलब इस तरह से गिराता है ताकि यूनिफॉर्मली गिरे पूरे पूरे रोड में, जहाँ पे आपको ब्लैक टॉप करना है उसके, तो पूरे रोड में ये आराम से गिराते जाता है हॉट मिक्स को। ऑल दीज ऑपरेशन आर कंट्रोल्ड बाई ऑपरेटर सिटिंग ऑन द चेयर इन द यूनिट विद द हेल्प ऑफ ड्यूअल कंट्रोल। उसके पास दोनों कंट्रोल होता है, तो ऑपरेटर आराम से बैठ के वहाँ से सारे काम ये कर लेता है। तो ये तो हो गया, यहाँ तक तो हमने गिरा दिया बस अभी यूनिफॉर्मली। अब क्या करना है, बाकी का काम कौन करेगा, स्क्रीड यूनिट करेगा। स्क्रीड यूनिट क्या परफॉर्म्स टू मेजर फंक्शन। पहला फंक्शन क्या होता है कि ये इनिशियल कॉम्पैक्शन देता है हॉट मिक्स को, जो कि रोड सरफेस के ऊपर जैसे आप डालते हैं उसको पहला कॉम्पैक्शन देता है। और दूसरा में क्या करता है, इट स्ट्राइक ऑफ द मिक्स विच इज मोर देन द स्पेसिफिकेशन फॉर द थिकनेस एंड स्मूथनेस, मतलब कि आपको जितना थिकनेस चाहिए उससे ज़्यादा अगर कहीं पे, ऐसे आपको मान लीजिए 150 mm का, सॉरी आपको 45 mm का थिकनेस चाहिए था टॉप सरफेस का, और आपने जब स्प्रेड किया तो जाहिर सी बात है कहीं पे ज़्यादा कहीं पे थोड़ा कम तो हो ही जाएगा। तो ये इसका स्प्रे, इसका स्क्रीड का ये भी काम है कि 45 mm यूनिफॉर्म थिकनेस मेंटेन करना। तो ये दूसरा पॉइंट इसका ये है। तो स्क्रीड यूनिट्स के बेसिकली इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं, स्क्रीड लो आर्म्स, स्क्रीड की जो प्लेट, हीटिंग की यूनिट, टैंपिंग बार्स, वाइब्रेटरी अटैचमेंट्स एंड कंट्रोल। ये सारे स्क्रीड की जो पार्ट्स हैं जिसके सहायता से वो सबसे पहले इनिशियल कॉम्पैक्शन देता है हॉट मिक्स को, और दूसरा यूनिफॉर्म थिकनेस और प्रोवाइड करता है ताकि
रोड की जो लेवल हो वो डिफरेंस इन डिफरेंस ना आ पाए। तो स्किड यूनिट इज पुल्ड बिहाइंड द ट्रैक्टर यूनिट, जो मेन आपका आगे वाला हेड है उसके पीछे वाले हिस्से में रहता है, क्योंकि आगे वाले में से वो आगे वाले में पीछे वाले में स्किड यूनिट रहता है, जिसके थ्रू वो उसको यूनिफॉर्म थिकनेस प्रोवाइड करके धीरे धीरे बढ़ते रहता है। ठीक है, ठीक है। स्किड यूनिट इज पुल बिहाइंड द ट्रैक्टर यूनिट, द यूनिट पुश द स्किड इन टू हॉट मिक्स रिसीविंग फ्रॉम कन्वेयर। जैसे जैसे हॉट मिक्स गिरते रहता है और स्किड यूनिट अपना काम करते रहता है, वो यूनिफॉर्म थिकनेस देते हुए आगे धीरे धीरे पढ़ते रहता है। स्क्रीड प्लेट आयरन्स द हॉट मिक्स सो एज टू ऑप्टेन अ स्मूथ रोड सरफेस, लीविंग द मैट टू अ डेप्थ एज पर स्पेसिफिकेशन। जितनी स्पेसिफिकेशन चाहिए थिकनेस, वो उतना थिकनेस का रोड बना देता है। द स्क्रीड्स आर रिक्वायर्ड टू बी एडजस्ट बाय द ऑपरेटर्स एज पेविंग वर्क प्रोग्रेस। काम शुरू होने से पहले भी स्क्रीड को एडजस्ट कर दिया जाता है, इस तरह से एडजस्ट किया जाता है कि कितना यूनिफॉर्म थिकनेस आपको चाहिए, उसके हिसाब से उसकी प्रायर एडजस्टमेंट हो जाती है। वी विल सी द डायग्राम ऑल्सो, देन वी विल एनालाइज। यू सी दिस इज द टिपिकल बिटमिन पेवर, मेन इसका एक्चुअली हेड एक नहीं बना हुआ है, बाकी सब कुछ है। मान इसका कैबिन जो है, बस कैबिन छूटा हुआ था, इस तरह का कैबिन रहता है बना हुआ, सामने में कांच रहता है। यू सी यहाँ पे इसका आपका ऑपरेटर रहता है, ये आगे वाले पार्ट्स में ये हॉपर लगा रहते हैं, एक्टिवेटर्स रहते हैं, ये व्हील्ड है, ये हो सकता है ये व्हील बेस्ड है। बेसिकली जो पावर यूनिट, ये ऊपर वाला सारा पार्ट, आगे वाला सारा पार्ट पावर यूनिट है, ठीक है। और जो ये पीछे वाला पार्ट सारा है, ये स्क्रीड यूनिट है, जो कि बेसिकली यही जो स्क्रीड के सारे पार्ट्स है, स्प्रेड लेयर, स्क्रीड, यही जो है वो यूनिफॉर्म थिकनेस को इंश्योर करता है। यूनिफॉर्म थिकनेस कितनी, अब मान लीजिए कि आपको 40 mm का ये देना था, रोड का टॉप सरफेस बनाना था, या 60 mm का बनाना था, या 70 mm का बनाना था, तो फिर आप इसी तरह से आपकी जो जितनी थिकनेस बिटुमिन की चाहिए, वो आपका ये स्क्रीड पार्ट जो है, यही पार्ट आपको इंश्योर करेगा। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब ये प्रैक्टिकल इमेज है अपने साइड से, आप देख रहे हैं ये इस तरह से टोटल इसी में हॉट मिक्स डाला जाएगा, हॉट मिक्स प्लांट डाला गया है। हॉट मिक्स प्लांट में ये रिसीविंग हॉपर होगा, फिर इसका या रिसीव करके ये फ्लो गेट्स के द्वारा ये नीचे जा रहा है, नीचे जब गिर जा रहा है, ये अंदर में गिर जा रहा है, तो फिर नीचे पीछे का जो स्क्रीड यूनिट है, इसका काम है कि ये प्रॉपर जितना थिकनेस है उससे ये इसको स्प्रेड करे, और प्रॉपर जितना थिकनेस को मेंटेन करना है ये मेंटेन करे। तो दिस इज द बेसिक ऑफ बिटुमिन पेवर। पेवर का काम यही है बेसिकली, कि पहला तो हॉट मिक्स को प्रॉपर जो है यूनिफॉर्मली पूरे पेवमेंट में, मतलब ये जो पेवमेंट है टोटल पूरे पेवमेंट में ये कंट्रोल करके स्प्रेड करे, और दूसरा इनिशियल इसको कॉम्पैक्ट करे, इनिशियल थोड़ा थोड़ा अच्छे से कॉम्पैक्ट कर दे, और उसके बाद फिर इनिशियल कॉम्पैक्शन, उसके बाद आप प्रॉपर रोलर यूज़ करेंगे तो वो अच्छे से कॉम्पैक्ट हो जाएगा। प्लस जो है कि जो यूनिफॉर्म आपको जितनी थिकनेस चाहिए वो थिकनेस को ये इंश्योर करता है। विल मूव फॉरवर्ड टू आर नेक्स्ट और एंड द लास्ट स्लाइड। इसमें हम देखेंगे कि एक्चुअली ये काम कैसे कर रहा था। बेसिकली ये आप देखिए, ये धीरे धीरे अपना हॉप गिराते जा रहा है इधर से, और हॉट मिक्स, और ये पीछे से जो स्क्रीड यूनिट है इसको प्रॉपर लेयर करके कॉम्पैक्ट करके बढ़ते जा रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ बिटुमिन, हॉट मिक्स बिटुमिन प्लांट। तो जो बेसिक हमारा अंडरस्टैंडिंग था हॉट मिक्स बिटुमिन प्लांट और बिटुमिन पेवर के बारे में, हमने जाना, इसको अच्छे से बुक से पढ़िए, एंड वेरी सून we will have the next video lecture, perhaps that would be the second last lecture or the last lecture of our curriculum. Padhai karte rahiye, books se bhi you can take reference, and whatever the notes I have provided, you can copy down all the notes in your regular ACT copy. Thank you very much.